हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज होने वाला है एक व्लॉग, और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ रात से। रात के फिलहाल 8:30 या 9 बज रहे हो, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में भी क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या होना बाकी है। और यहाँ मेरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा है। बोल दो सबको हेलो गाइस। हाय। मेरे कमरे का सारा रंग रूप सब बदल चुका है, वो सब आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है? पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, बाहर का क्या काम हो चुका है। चलो चलते हैं बाहर। ये फ्रिज यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है, मंदिर पीछे से आगे आ चुका है, और रसोई को अभी तहलका मचा हुआ। रसोई के अंदर कुछ भी अपने ठिकाने पे नहीं है अभी। यहाँ के वॉल पे भी सुंदर सा एक टेक्सचर बनने वाला है। और नोनू कहाँ घूम रहे हो आप? मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी, जहां मैं जाऊंगी वहीं आ जाएगी। ओहो, ते तू तो ये क्या करा है मिशिता आपने? ये गलती से हो गया? ये सारे काम गलती से होते हैं? जिसकी सुई तोड़ दी यार तूने। और ये गोभी रखी है मम्मी ने काटने के लिए, कल शाद है तो कल अभी गोभी कट करेंगे। और यहाँ पे हमारी वॉल वाइट हो चुकी है। यहाँ पे पहले टेक्सचर हुआ था लेकिन वो हमारी पसंद का नहीं था, तो इसलिए हम इसको दोबारा टेक्सचर करा रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं दिखा दूंगी किस टाइप का टेक्सचर था, और ये अभी आपने देखा होगा पहले वाली वीडियो में। हमारी मम्मी आ गई। मम्मी क्या कर रहे हो आप? मैं वो कर रही हूँ, क्या कर रही है क्या कर रहे हो? कुछ देख रही हूँ। क्या देख रहे हो? क्या भूल गए मम्मी बोले आटा? अच्छा, मछलियों के लिए मम्मी गोलियां बनाएंगी, मछलियों के आटे वाली गोलियां बनाएंगी। अभी ना हमारा यहाँ पे पूरा हॉल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये सामने वाली वॉल पे अभी आपने पहली वाली क्लिप देखी होगी, हमने टेक्सचर दूसरा बोला था भैया को, भैया ने कुछ और कर दिया। अभी वापस से पुट्टी खींचिए। चुपा चुप खाओगे? वन लेना? ओके ठीक है। तो यहाँ पे ना दोबारा से पुट्टी कर दी है उन्होंने, अभी यहाँ पे दोबारा होगा। और उसके बाद ये सारी हो चुकी है, अब बस गेट होने बाकी है अभी, और ये वाला रूम भी अभी रहता है, अब इसमें भी कुछ काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे बारी आई मेरे रूम की। आज ये हमने फैन सीलिंग पे इस बार कलर करवाया है, देखते हैं कैसा निकल के आएगा, इस पर टेक्सचर होना भी बाकी है। और ये वाली वॉल अभी प्लेन हो गई है, अभी वॉल पुट्टी कर दी है इस पर, ठीक है? और इसके बाद ना अभी कल इसके ऊपर, सो ये वॉल पुट्टी हो गई है, अभी देखते हैं इसके ऊपर कलर आके कैसा लगेगा ये, क्योंकि अभी ना जो जैसे कलर चूज किया है पता नहीं कैसा टर्नआउट होके आएगा, पर जो भी हो देखते हैं कैसा होगा। और यहाँ पे ना जितने भी ये निशान थे, टेप के निशान, बहुत सारे टेप के निशान थे सच में यार, मतलब इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई ना सब क्लीन करने में। यहाँ पे सारा टेप का निशान था, और यहाँ पे ना कॉर्नर भी मैंने निकाल दिए अभी, और यहाँ पे सारा कवर कर दिया क्योंकि ये ना कुशन गंदे ना हो जाए इसलिए। सो अभी फिलहाल के लिए पहले तो हमने सारा सामान ये बाहर निकाल दिए थे, गद्दे वगैरह, लेकिन अभी हम ले आए क्योंकि अभी सोना है, तो फिर इसलिए वापस अंदर रख लिए हैं। और यहाँ पे मैं, और यहाँ मेरा बच्चा है। अच्छा, सुबह देख लिया आपने मेरे रूम का, अभी क्या हाल चाल है, अभी इतना कुछ हुआ है क्या? तो गिर गया नीचे, फिर दो छुपा छुप ले लिए। तो अभी आपने देख लिया मेरे रूम का क्या हाल है, अभी थोड़ा बहुत हुआ है जो हुआ है, और अभी कल होना बाकी है। तो अभी कल पता चलेगा इसके अंदर क्या होगा, कैसा टर्नआउट हो गया है, वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसा टर्नआउट होके आया है। हाँ आप बोलो बेटा, आप बोलो पहले। ठीक है। यार जब भी ना ब्लॉगिंग मतलब कुछ बोलती हो ना, ये मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट करती है ना, इसको लगता है कि मैं भी कुछ बोलूँ इसके अंदर। बस अभी ये इतना कुछ हुआ है, हमारे एक रूम, मम्मी का रूम भी हो चुका है, तो वो भी मैं आपको कल दिखा दूंगी वो। और हॉल में जैसे मैंने आपको बताया पूरी वॉल एकदम बन चुकी थी, टेक्सचर हो चुका था, बट क्योंकि हमने कुछ और कहा था वो कुछ और टर्नआउट हो गया है, इसलिए वो दोबारा वॉल पुट्टी कर दी है उसके ऊपर, अभी दोबारा होगा उसके ऊपर टेक्सचर, तब मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा टर्नआउट होके आया है, ठीक है?
सो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूंगी। सो गाइज, मैंने आपको दिखा दिया अभी तक हमारे घर में क्या क्या काम हो चुका है, और अभी किचन में भी कोई काम नहीं हुआ है। अभी जस्ट वाली वॉल मैं आपको दिखाती हूँ, वाली वॉल मैं इसमें क्लिप ऐड की थी कैसी थी, और अब एकदम कितनी क्लीन हो चुकी है। सो गाइज, ये था छोटा सा अपडेट कि अभी हमारे घर में क्या क्या काम हो चुका है। अभी वाइट वॉश चल रहा है, अराउंड 5 डेज हो चुके हैं, और अभी पता नहीं कितने दिन लगने बाकी हैं। सो अभी इतना इतना काम हुआ है, और आगे जो काम होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और एक श्राद्ध भी है हमारे घर में, तो उसका भी व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में ही आएगा। सो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जिसने मेरे अभी तक वीडियो को सब और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर लो, और लाइक और शेयर भी कर देना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।